खबर है आगरा से। ऑपरेशन त्रिनेत्र के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दो शातिर वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरों के पास से चोरी की हुई 7 दो पहिया वाहनों को भी बरामद किया है। इसके पश्चात 2 फर्जी नंबर प्लेट, 1 पेन ड्राइव भी मिली है। चोरों को पहचान करने में शहर में लगे सीसीटीवी कैमरा से मदद मिली है। आपको बता दें कि आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है वाहन चोरी का। पुलिस ने खुलासा किया है, 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से 7 दो पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। इसके पश्चात 2 फर्जी नंबर प्लेट, 1 पेन ड्राइव भी मिली है। चोरों की पहचान सीसीटीवी कैमरे से हुई है जो शहर में लगी हुई थी। ऑन डिमांड करते थे वाहनों की चोरी, किसी को होती थी बैटरी की जरूरत तो वाहन चोरी करके बैटरी बेचने का भी करते थे काम। थाना हरित पर्वत पुलिस ने यह खुलासा किया है। आगरा से दिव्यांशु राय की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 7 जुलाई 2024 को पुलिस को एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें वाली द्वारा बताया गया कि उसकी स्कूटी थाना हरित पर्वत क्षेत्र से चोरी हुई है। उसके बाद हमें एक और शिकायत प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस द्वारा एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और उसी के क्रम में हमें एक स्कूटी और उसके साथ में 2 व्यक्ति थाना हरित पर्वत के ट्रांसपोर्ट नगर चौकी क्षेत्र में बरामद मिले। स्कूटी के बारे में जानकारी की गई तो पता चले चोरी की स्कूटी है। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों से, जिनका नाम मुस्तकीम और आशु है, पूछताछ की गई तो पता चला मुस्तकीम पे चोरी के पहले भी 8 मुकदमे हैं और आशु जो कि एक मैकेनिक है वो इन चोरी की गई स्कूटी और बाइकों को ठिकाने लगाता है। उन दोनों की निशानदेही पर अभी तक 7 स्कूटी और 1 मोटरसाइकिल, 2 नंबर प्लेट और 1 पेन ड्राइव बरामद की गई है। आगे की कार्रवाई की जाए। ये लोग सर ऑन डिमांड के हिसाब से गाड़ियां चोरी करते थे और उनके पार्ट्स भी अलग अलग करते थे। देखिए, अभी तक जितना इनसे पूछताछ में पता चला है कि जो आशु है वो एक मैकेनिक है, तो उसे बेसिकली इन वाहनों की जरूरत पार्ट्स को अलग अलग सप्लाई करने के लिए वो यूज करता था, तो मुस्तकीम उसे प्रोवाइड कराता था जो भी चोरी की स्कूटी और बाइक है तो उनके अलग अलग पार्ट्स करके आगे देते थे। बाकी इसमें कहीं सप्लाई या डिमांड या कुछ इस तरह का एंगल है क्या नहीं है, इस पर जांच की। पुलिस पूछताछ में उन्होंने बताया कि दो लोग हैं इनके और भी साथी। देखिए, इस काम को करने वाले दो ही लोग हैं, बाकी इनके द्वारा बताया गया कि कुछ और भी व्यक्ति हैं जो इस तरह का काम इस क्षेत्र में करते हैं, तो हम उन लोगों पर भी नजर बनाए रखते हैं और आगे उन पर भी कार्रवाई।